अल्लाह ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहिल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लकद जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक, अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदी अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुन नबियीन, ताहा व यासीन, शफीयल मुज़नबीन, इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन, वसीलतना फिद्दारैन, साहिबे काबा व कौसैन, जद्दिल हसनी वल हुसैन, महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन, मौलाना व मौला सकलैन, सैयदोना व नबीयोना व शफीयोना व तबीबोना व हबीबोना व करीमोना व इमामोना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलोना व औसतोना व आखिरोना व कुल्लोना, हुजूरे जनाब अबुल कासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा, वाहले बैत ही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्मासूमीन अल्मज़लूमीन अल्मुंतखबीन अल्मुंतजबीन अल्गुर्र अल्मयामीन वासहाबिही अल्मुत्तकीन अल्मुंतखबीन अल्मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन, मिन यौमिना हादा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बादु फ़क़त, क़ाल अल्लाह तआला फ़िल फ़ुर्क़ानिल हमीद वल्मुहक्कम किताबिही अल-मजीद वक़ौलहुल हक़, بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم, صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी कद्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिकान रसूल व आले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। अल्लाह की रजा, अहल बैत की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, मोमिनी ने जोगीपुरा की मोहब्बतें, दरगाह जोगीपुरा हिंद के इंतजामिया का खुलूस, मौलाना कल्ब जलवाद साहब क़िबला की सरपरस्ती, ये सारी चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और जोगीपुरा तो मेरे मिजाज को जानता ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे रात को मिंबर दिया जाए या दोपहर में, इसलिए कि शब कद्र भी हमारा है, रोज़े गदीर भी हमारा है। मौलाना अस्करी गदीरी साहब भी मौजूद हैं, माशाल्लाह इनका कारवान अल गदीर का यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है, करा भी निकल रहा है और माशाल्लाह जायरों को काफिला लेकर जा रहे हैं। मेरे सामने मौलाना शहनवाज साहब क़िबला मौजूद हैं। जोगीपुरा तो मेरा मिजाज जानता है, मेरा बचपन से एक मिजाज है, मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदि ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है जोगीपुरा वालों, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। सब मिलकर नारा है डरी, हमने जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से।
सलामत रहे या अली कहने वालों। और मैं तो बारहा कह चुका हूं, अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए सुन्नी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए सूफी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए बरेलवी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए फकत हलाली होना शर्त है। सलामत रहो, सलामत रहो। सब कैसा दिल बोला, हम सबका नबी बोला, बूढ़ा बोला जवान बोला, चली तलवार सर बोला, मुनाफिक है जो ना बोला, मुनाफिक है जो ना बोला, दोनों हाथ पुरानी लड़के नारा नारा हाय करी। वो लोग गलत फहमी में हैं जो ये सोचते हैं कि शब्बीर वारसी दोपहर में तकरीर नहीं कर पाएगा। फजाइले अली सुनाने का असली वक्त यही है। अल्लाह जाने मजमा कहाँ है। नबी ने मनकुंतों का नारा तभी लगाया जब सूरज सर पर था, चिलचिलाती हुई गर्मी, गर्म सेहरा, टपकते हुए पसीने, और उस पर अलीयुन वलीयुल्लाह का नारा लगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या बात है, या रसूल अल्लाह टपकते हुए पसीने, पेशानियों पर बल, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म सेहरा, सर पर सूरज, और आप अली की विलायत का नारा लगा रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप तो मालिक जन्नत हैं, जन्नत की ठंडी ठंडी हवा चला दीजिए, आप तो साकी कौसर हैं, जामे कौसर छलकवा दीजिए, आप तो मालिक जन्नत हैं, दरख्त तूबा का साया लगा दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई, चिलचिलाती हुई गर्मी, गर्म सेहरा, टपकते हुए पसीने, सर पर सूरज, आवाज आई मदीने से शब्बीर वारसी, अगर मैं चाहता तो गदीर में जन्नत की ठंडी हवा चला देता, नहरे कौसर के जाम छलकवा देता, दरख्त तूबा का साया लगा देता, मगर बाद में कोई मुनाफिक कहता वो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सो गए। फूल से जब सामना हो जाएगा, ला बता के फूल से जब सामना हो जाएगा, फुरमला तो बस एक पल में लापता हो जाएगा, फुरमला तो बस एक पल में लापता हो जाएगा। और कायदा शब्बीर का, कायदा शब्बीर का सारी दुनिया में पढ़ते रहो, कायदा शब्बीर का सारी दुनिया में पढ़ते रहो, वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। एक नारा हैदरी। आवाज आई कि अगर जन्नत की ठंडी ठंडी हवा चलती, बाद में मुनाफिक कहता वो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम तो सो गए। अल्लाह ने भी कहा देख मुनाफिक, हम तुझे नबी के पहलू में सोने तो दे, रोने तो देंगे, मगर सोने नहीं देंगे। सब मिलकर माशाल्लाह। मैंने आज के माशाल्लाह, मेरी जान बिल्कुल माइक ठीक चल रहा है, कोई पैतरे ना लगाना, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, फकत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। मैंने आज के इस मुकद्दस और मौजदस इज्तमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सन्नामा कलाम में जिसे मौजू गुफ्तगू करार दिया, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कुल
मेरे हबीब आप कह दीजिए क्या इन्नमा अना बशरो मिसलुकुम, मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। तवज्जो, फिर अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल, ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए क्या हु अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। मैंने कहा परवरदिगार तू खुद क्यों नहीं कहता तू एक है। फिर अल्लाह कह रहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुरबा, मेरे हबीब आप कह दीजिए कि मुझे कुछ अजर नहीं चाहिए सिवाय अहले बैत की मोहब्बत के। मैंने कहा परवरदिगार तू बंदों से डायरेक्ट क्यों नहीं कहता। अल्लाह ने कहा कुछ मनहूसों के चेहरों पर डायरेक्ट तमाचे जो मारना है। तवज्जो तवज्जो, मैंने कहा परवरदिगार तू खुद क्यों नहीं कहता। क्या मैं मौलवी को उसकी औकात बताना चाहता हूं कि तू इस लायक भी नहीं है कि हम तुमसे डायरेक्ट कलाम करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे हबीब आप कह दीजिए तवज्जो, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। अच्छा, पूरी दुनिया के और खास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ग्रेट के मनहूस हैं वो यही आयत पढ़कर कहते हैं कि नबी तो हम जैसे थे। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, चेहरा ऐसा है कि दिन के उजाले में अगर नजीबाबाद के चौराहे पे खड़ा हो जाए तो बच्चे खौफजदा हो जाएं। और कह रहा है नबी हम जैसे। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं जोगीपुरा में, याद मुझे पंजाब आ रहा है। पंजाब में एक लतीफा बहुत मशहूर है जोगीपुरा वालों, मेंढकी समझते हो, मेंढकी, मेंढक की वाइफ। एक 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 मेंढकी की बच्ची अपनी माँ से पूछती है, ऐ माए माँ ए हूर की औंधी है, ऐ माए माँ ये हूर क्या होती है। तो मेंढकी की माँ ने जवाब दिया, लोखांदी शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। जरा गौर से देखो जोगीपुरा के नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना, कहाँ वो जमीन की मेंढकी, कहाँ वो जन्नत की हूर, कहाँ बदशकल मुल्ला, कहाँ नबी का नो। शकल मुल्ला, कहां नबी का नूर। अच्छा जोगीपुरा वालों, तुमने ऐसे बहुत से मनहूस देखे होंगे जो ये कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसे, मगर तुमने ऐसा कोई मनहूस नहीं देखा होगा जिसने ये कहा हो कि आदम हम जैसे, नूह हम जैसे, इब्राहिम हम जैसे, मूसा हम जैसे, ईसा हम जैसे। और ये सारे नबी हैं कौन? आदम से लेकर ईसा तक के नबी, ये सब लश्करे मोहम्मद के सिपाही हैं। तवज्जो, मेरा मोहम्मद मेरा नबी सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों का सरदार। तो सरदार के लिए तो बहुत बार कहा मनहूसों ने हम जैसे, मगर सिपाहियों के लिए कभी नहीं कहा कि हम जैसे। वजह क्या है? का मौलाना, वजह यह है कि अगर किसी मनहूस ने यह कह दिया कि हम नूह जैसे, तो मजमा सवाल करेगा कि अगर तू नूह जैसा है तो तूफान में सफीना चला कर दिखा। अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने कहा हम इब्राहिम जैसे, तो कहा जाएगा आग में सजदे करके देखा। अगर किसी ने कहा हम यूनुस जैसे, तो कहा जाएगा मछली के पेट में तस्बीह पढ़कर देखा। अगर किसी ने कहा हम मूसा जैसे, तो कहा जाएगा दरिया में रास्ते बनाकर देखा। अगर किसी ने कहा हम ईसा जैसे, तो कहा जाएगा कि ठोकर से मुर्दे को जिंदा करके देखा। इसी तरह अगर आज के बाद कोई मनहूस कहे हम मोहम्मद से, तो उससे कहना पहले चांद के टुकड़े करके देखा।
सलामत रहो। सब मिलकर मौलाई नारा, पता चले जमाने वालों को अली 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 अली, जितना अली बुलंद है। थोड़ी हाँ, सब मिलकर मेरी गुजारिश है, जो कुछ लोग खड़े हैं जरा बैठ जाएं, ताकि कुछ मनहूसों को पैगाम पहुंचे कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको नबी की बज्म में बैठना नहीं आता था, हमें मजलिस में बैठना आता है। तवज्जो, तो जितने एक ग्रेड के मनहूस कहने लगे नबी हम जैसे का दलील क्या है, का अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है इन्नमा अना बशरो मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। अच्छा पता है जवानों कमाल क्या है, ये आयत है आधी। नौजवानों इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हां सारे खूबसूरत लोग यहां पर मौजूद हैं, वजह है अली फिटकार ज्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है फिर शजरा। सब मिलकर तवज्जो कीजिएगा। हैदरी जो भैया ये बैठे हुए हैं दीवालों पे, जरा संभाल के बैठे हैं। पिंडाल की दीवालों पे जो लोग बैठे हैं जरा पीछे को, ये बच्चे हो जाए संभाल संभाल के बैठे। देखिए जिसको जिसको जो बीमारी है, अली की चौखट में बैठकर बोल रहा हूं बैठ जाओ, मौला अपने खतीब की जुबान की लाज रखेंगे, इंशाअल्लाह सबको शिफा मिलेगी। मेरे भाई बैठे हैं मौलाना शाहनवाज साहब, उनकी अहलिया बहुत बीमार हैं। परवरदिगार तुझे जनाबे सुगरा का वास्ता, तेरे वली की चौखट में दुआ मांग रहा हूं उनको और तमाम बीमारों को शिफा दे दे। पूरी तवज्जो। अच्छा कुल इन्नमा अना बशरो मिस्लुकुम, ये आयत है आधी, और जब बात आधी पड़ता है ना मौलवी तो बहक जाता है। नहीं समझा मेरा मजमा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा मौलाना मैं तो नमाज के करीब ही नहीं जाता। मैंने कहा किस खुशी में? कहने लगा अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है ला तक्रबु सलात, नमाज के करीब मत जा। मैंने कहा जरा कुरान खोल कर दिखाना। मौलाना जब कुरान खोल कर देखा तो देखा आयत आधी थी। मैंने कहा आगे पढ़, अल्लाह कह रहा है ला तक्रबु सलात, नमाज के करीब मत जाओ। कब? अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। मैंने कहा आयत पर आयत है आधी, इन्नमा अना बशरो मिस्लुकुम, अल्लाह कह रहा मेरे हबीब इनसे कह दो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मगर आगे बढ़ के अल्लाह कह रहा है साथ साथ ये भी कह दो मा उहा इलैया, मुझ पर वही आती है तुम पर नहीं आती है। अल्लाहु अकबर। सब मिलकर नारे रिसाला, नारे रिसाला,
सालवा। अच्छा पता है जोगीपुरा वालों कमाल क्या है, जिस भयानक ने कभी आईना नहीं देखा वो कह रहा है नबी हम जैसे। और कमाल क्या है पता है, जो लोग वाकयन नबी जैसे थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि नबी हम जैसे। अरे मैं जोगीपुरा में पढ़ रहा हूं, तुम भी चाह रहे हो ना मैं हर चीज खोल खोल कर पढ़ दूं। शब्बीर वारसी यूपी खोलने में बदनाम है, चलो खोलने लगा हूं। मेरा नबी हिजरत करके मक्के से मदीना आ गया, मस्जिद नबवी में मुसलमानों का मजमा है, अल्लाह का हुक्म आया, ए मेरे हबीब मुसलमानों को मुसलमानों का भाई बनाओ। रसूल अल्लाह ने कहा परवरदिगार किसे किसका भाई बनाऊं, हुक्म आया मेरे हबीब जिसका मिजाज जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका किरदार जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसकी गुफ्तार जिसके जैसी हो उसे उसका भाई बनाओ। जुमला पढ़ना मेरा काम, कैसे सुनना जोगी पूरा का काम, जिसका गुफ्तार जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसकी रफ्तार जिसके जैसी हो। अरे पहुंच गया मजमा, अल्लाहु अकबर। जिसकी रफ्तार जिसके जैसी हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका चेहरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका खानदान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका ईमान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। तो भाई नबी ने क्या किया, सलमान को अबू ज़र का भाई बनाया, अबू ज़र को सलमान का भाई बनाया, मीसम को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मीसम का भाई बनाया, अम्मार को मिगदाद का भाई बनाया, मिगदाद को अम्मार का भाई बनाया। मस्जिद के एक कोने पर बैठकर विलायत का शहंशाह आंसू बहा रहा है, नबियों के सरदार ने वलियों के सरदार को रोता हुआ देखा। एक मर्तबा मजमे को चीर कर नबी अली के पास पहुंचे, अली के कंधों को पकड़कर उठाया और कहा या अली तेरे आंखों में आंसू क्यों है। अली कहने लगे या रसूल अल्लाह रो नहीं तो क्या करूं, आपने सबको सबका भाई बनाया, सलमान को अबू ज़र का भाई बनाया, अबू ज़र को सलमान का भाई बनाया, मीसम को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मीसम का भाई बनाया, अम्मार को मिगदाद का भाई बनाया, मिगदाद को अम्मार का भाई बनाया। या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को गले से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, मजमे को दिखाया और दिखा कर कहा या अली मैं क्या करूं, अगर इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। आप थक रहे हैं, अली के फजाइल ना थक करके सुनना चाहिए ना शक करके सुनना चाहिए। या अली कहने में कभी शर्माना नहीं नौजवानों, इसलिए कि अपने पीर का नारा शर्मा कर वो लगाता है जिसका पीर मैदान छोड़कर भाग गया हो। अल्लाह हुआ शहबाज कलंदर, शहबाज कलंदर कलंदर, अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, और तेरी कब्र के अंदर तेरी कब्र के बाहर नारा हैदरी। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। कहां मर गए नबी को अपने जैसा कहने वाले।
ये जोगीपुरा में जितने जवान बैठे हैं ना, इनके जैसा होकर देखा। ये चेहरे पर जो नूर है ना, ये अली की मोहब्बत की अलामत है। मैं बखुदा बता रहा हूं, मौला की चौखट में मेरे सामने जब कोई बदसूरत इश्क़े अली का दावा करता है ना, तो मुझे शक होता है, है? इसलिए कि अली रोशन चेहरे वालों का इमाम है। मोहम्मद तो छोड़ो, आम कोई मासूम के जैसा कोई बशर नहीं हो सकता। एक 1,24,000 अंबिया जैसा कोई आम बशर नहीं हो सकता। दलील दूं? अच्छा, सुनना चाहते हो या खत्म कर दूं? हां, मुझे जहां लगेगा कि आप लोग तैयार हैं मैं मजलिस शुरू कर दूंगा। हाँ, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं की है। हाँ, अभी तो मौजू शुरू नहीं किया, अभी से थकने लगे। ये तुम देख रहे हो ना, पीछे दीवार है, दीवार के सामने पोस्टर है, बैनर है, तुम्हें नजर आ रहा है। पर जवानों, इस दीवार के पीछे क्या है, इस दीवार के अंदर क्या है, बताओ? कोई नहीं बता सकता। क्यों? हमारी हैसियत और ताकत इतनी है कि हम दीवार तक तो देख सकते हैं, दीवार के अंदर क्या है नहीं देख सकते। मगर वही अल्लाह का एक मासूम नबी है, नूह अलैहिस्सलाम। नूह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, वला यालिदु इल्ला फाजरन कुफारा, ऐ परवरदिगार तू मेरी कौम पर अजाब नाजिल फरमा। क्यों? इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि इनके नस्लों में कोई मोमिन नहीं आने वाला। अरे चलो चलो मेरी जान, इतनी आसानी से समझ जाओगे तो कलकत्ते से बिजनौर किस लिए आया मैं? चलो मेरे साथ रवि शहीद राख में। परवरदिगार, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में सबके सब फाजिर और कुफार है, कोई मोमिन नहीं आने वाला। अब अल्लाह जाने जोगीपुरा में भी मुझे खोल कर पढ़ना पड़ा तो ताज्जुब है। जोगीपुरा वालों, तुम्हें कोई वाकया याद आया? नहीं। कोई जंग याद आई? नहीं। अच्छा चलो बताता हूं, समझना तुम्हारा काम। एक मौलवी के साथ मैं बैठा था, मौलवी मुझे छेड़ने लगा, और हमारी तबीयत है, मेरा तो खुला ऐलान है, छेड़ो मत। छेड़ोगे नहीं चुप रहूंगा, और अगर छेड़ोगे तो फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो, मुझसे कहने लगा, मौलाना हालात बता रहे हैं फिर से एक करबला होने वाली है। मैंने कहा, मौलवी ये तुम्हारी बेवकूफी है, करबला दूसरी नहीं हो सकती। का वजह क्या है? मैंने कहा, करबला के लिए एक अकबर जैसा जवान चाहिए, एक अब्बास चाहिए, एक कासिम चाहिए, एक औनो मोहम्मद चाहिए। तो कहने लगा, करबला नहीं तो क्या होगी? मैंने कहा, आप सिफीन पार्ट टू होगी। तवज्जो, मैंने कहा, फिर से जंगे सिफीन होगी, और मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ? मालिक अश्तर तैयार हो रहा है, आओ। अच्छा जवानों, बहुत आहिस्ते से सुनना, तुम्हें मालूम है ना जंगे सिफीन, पूरी जंग नहीं पढ़ूंगा,
सब्जेक्ट से नहीं हटूंगा। तवज्जो, जंगे सिफीन का तारीख में एक और नाम भी है। ओलामा बैठे हैं पूछना, जंगे सिफीन का एक और नाम है। जंगे सिफीन को जंगे लैलतुल हरीर भी कहते हैं। लैलतुल हरीर लैलतुल शरीर नहीं, जो पहुंच गए पिछले साल तक पहुंच जाना, लैलतुल हरीर। अच्छा पता है इस जंग को जंगे लैलतुल हरीर क्यों कहा गया? पहले समझो कि हरीर किसको कहते हैं। लैल तो सबको मालूम है ना, लैल यानी रात। जंगे लैलतुल हरीर यानी हरीर वालों की रातों की जंग। तो हरीर किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से मेरी तरफ जवानों, एक जुमला भी मिस मत करना। हरीर किसको कहते हैं? कभी तुमने देखा होगा कि किसी जवान ने कुत्ते को लात मारी होगी? तवज्जो, तो जब कुत्ते को लात मारी जाती है ना, कुत्ता भौंकता है। मगर कभी तुमने देखा है कुत्ते के बच्चे को? कुत्ते के बच्चे यानी कुत्ता का पिल्ला, जब उसे लात मारी जाती है ना, तो वो एक सहमी हुई आवाज में चिल्लाता है और चिल्लाता हुआ भागता है। तो उसी कुत्ते के पिल्ले को अरबी में हरीर कहते हैं। नहीं बाजा मजमा, अब समझ में आया जंगे सिफीन को जंगे लैलतुल हरीर क्यों कहते हैं? वजह यह है कि सिफीन के मैदान में जब शेरे खुदा हमला करता था तो शामी ऐसे भागते थे जैसे कुत्ते के पिल्ले। सब मिलकर कहो कहो, देखो मैं पहले ही कह चुका हूं, जवानों मुझे छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं। हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा, जो खुश नसब है तबर्रा जरूर बोलेगा। कोई भी बोले ना बोले, मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर बोलेगा। ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तो छोटे मोटे पटाखे छोड़े हैं, अब आइटम बम मारने वाला हूं। हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा, जो खुश नसब है तबर्रा जरूर बोलेगा। कोई भी बोले ना बोले, मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर बोलेगा। तो अली के बुग्ज का कीड़ा कहीं भी बैठा हो, जुबाना बोले तो चेहरा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अरे लगाने दो अली वालों को नारा, मजलिस में नारे हो या नारों में मजलिस हो, जिक्र अली का होगा। लगाओ नारा सब मिलकर, अली 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 अली। तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के बाहर,
अच्छा, जब तक अली अली नहीं होता मुझे भी जुनून नहीं आता। अली के इश्क के लिए जुनून चाहिए। खामोश होकर सुन लिया तो वो अली का जिक्र ही क्या। तवज्जो, जंगे सिफीन एक मंजर खींचने लगा हूं किबला। तवज्जो, जंगे सिफीन में एक तो है शेरे खुदा और एक है शेरे खुदा का शेर। नहीं नहीं, अली का यूं तो हर बेटा शेरे खुदा है, मैं कह रहा हूं शेरे खुदा का एक शेर है और उस शेर का नाम सुनकर अब भी कब्रों में जितने बनी उमैया के पालतू कुत्ते हैं आज भी कब्रों में करवटे बदलते हैं। पता है उस शेर का नाम क्या है? उस शेर का नाम है मालिक अश्तार। तवज्जो, यह है अली का शेर, मालिक इब्ने अश्तर नखाई। यह अली का वो शेर है। तुम्हें पता है मालिक की अजमत क्या है? मालिक अली का ऐसा गुलाम है जिसको उसका मालिक भी मालिक कह के पुकारता था। नहीं सुना जोगी पूरा वालों ने यह जुमला? ये अली का वो गुलाम जिसे उसका मालिक भी मालिक कह के पुकारता है। अच्छा, होता क्या था जंगे सिफीन में? जब अली उतरते थे तो मालिक अश्तर नहीं उतरते, और जब मालिक अश्तर उतरते थे तो अली नहीं उतरते थे। अब सुनो, इसे लैलतुल हरीर क्यों कहा गया? इसी जंग में एक रात तबला बजाने वाले ने तबला बजाया। जो नहीं पहुंच सके मैं हैरत में हूं, और आसान कर दूं, 11 बापों का एक लौता बेटा। तवज्जो, तारीख उठाकर उस हरामजादे का नाम तुम तलाश करना। जवान कहेंगे आप क्यों नहीं नाम लेते हैं, मिंबर से हरामजादों का नाम नहीं लिया जाता। अली के दुश्मनों पर लानत, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, फिदक के गासिबों पर लानत, फातिमा के कातिलों पर लानत। ऐसे करो लानत ताकि लानती भी कांप उठे। बजाया तबला, तबला बजा, तबला बज रहा है। तबलची मुल्लाओ सुनो, तुम्हारे बाप की तारीख पढ़ रहा हूं। बजा तबला, ऐलान हुआ, शाम का सारा लश्कर एक साथ मैदान में उतरे। अब रात का वक्त है, शाम के सारे हरामजादे एक साथ मैदान में उतरे। एक मर्तबा अली ने मंजर देखा, मालिक को देखा, देख कर कहा मालिक तुम भी उतरो मैं भी उतरूंगा। मालिक तुम भी उतरो आज मैं भी उतरूंगा। दो शेरों ने हमला किया, कुत्ते भागे। तवज्जो, पूरी जंग नहीं पढ़ना, रात तमाम हुई। मालिक सुबह का उजाला आया, मालिक के अश्तर अपने खैमे के बाहर टहल रहे हैं, हाथों में कुछ गिन रहे हैं। अली ने यह मंजर देखा, देखकर कहा मालिक परेशान मालूम होते हो, कुछ गिन रहे हो? हा मौला। मालिक, अपनी परेशानी तुम बताओगे या मैं बताऊं? मालिक ने कहा
जो दिलों के हालात जानता हो, शरीयत में उसे अली कहते हैं। मौला आप बताइए, मालिक ने कहा, मौला ने कहा, मालिक तुम ये सोच रहे हो कि आज की रात तुमने 999 को मारा, मैंने 1000 को मारा, बैठो मेरी जान, फरिश्ते खींच रहे हैं। हाँ तवज्जो, मालिक ने 999 को मारा, अली ने 1000 को मारा। मौला कहने लगे, मालिक तुम ये सोच रहे हो कि काश तुमने किसी एक और को मार दिया होता तो आज मैदान जंग में तुम मेरे बराबरी में आ जाते। मालिक हैरत से कहने लगे, मौला मैं यकीनन यही सोच रहा हूं। अली ने कहा, मालिक सुन लो, एक तो क्या, अगर तुमने एक से ज्यादा को भी मारा होता तो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मालिक ने कहा, मौला वो कैसे? अली ने कहा, मालिक वजह यह है, जब तुम्हारी तलवार चलती है तो ना दाएं देखती है ना बाएं देखती है, मगर जब मेरी जुल्फ़िकार चलती है तो 70 नस्लों। सब मिलकर, सब मिलकर, हैदरी, माशाल्लाह, सलामत रहो, जियो, जिंदाबाद। मालिक जब मेरी जुल्फिकार चलती है, 70 नस्लों को देखती है, 70 नस्लों में भी कोई मोमिन होता है, मेरी तलवार उसको छोड़ देती है, नहीं पहुंचा मेरा मजमा। 70 नस्लों में भी अगर किसी के मोमिन आया तो वो अजाब से बच जाता है। याद है पिछले साल की गुफ्तगू, मुनाफिक बड़ा डराता है हमें, अली वालो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, क्यों? कब्र में केकड़े आते हैं, बिच्छू आते हैं, सांप आते हैं। मैंने कहा, आए होंगे तेरी बाप दादाओं के कब्रों में आए होंगे, अली वालों के कब्रों में नहीं आते। अरे जिसके 70 नस्ल में मोमिन आ जाए, जब उस पर अजाब नहीं आता तो जिनकी कब्रों में अमीरुल मोमिन है। माशाल्लाह, यार, अच्छा सुनो, मुझसे कहा गया है कि अजान होगी। नौजवानों जब अजान होगी तो मुझे बता देना, मैं नमाज रोक दूंगा। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। तवज्जो करना, 70 नस्लों में भी मोमिन आ जाए तो अली की तलवार उसको छोड़ देती है। मर गया मनहूस मुल्ला, कुछ याद आया, नूह ने कहा था, परवरदिगार मैं 70 नस्लों में देख रहा हूं कोई मोमिन नहीं। नूह भी 70 नस्लों में देखते हैं, अली की जुल्फिकार भी 70 नस्लों में देखती है। कहा गया मनहूस मुल्ला, उसको बताना, अरे जिस अली की तलवार नबी के आंखों की जैसी हो, अगर उस अली की आंख अल्लाह के आंखा। मैं समझ गया, इस मजमे में भी कोई बदहजमी का मरीज बैठा है।
मुमकिन है? अली मौला, फरिश्तों के बीच जब इबलीस बैठ सकता है तो हो सकता है इस झुरमुट में भी कोई गड़बड़ आ गया हो। तवज्जो तवज्जो। अच्छा चलो, दावे में बगैर दलील के नहीं देता। जिसके तलवार की आंखें नबी के आंखों जैसी हो, उसके उस जुल्फकार के मालिक की निगाहें अगर ऐनुल्लाह हो, तब परेशानी क्या है? मगर मौलवी भी बड़ा चालाक लोमड़ी है, हर एतराज पर फौरन एतराज कर देता है। और हम तो दलील देने के आदी हैं। अच्छा, हम अली वालों का ये पुराना स्टाइल है, हम दुश्मनों को दलील से जलील करते हैं। हाँ चलो, दलील देने लगा हूं। हज का मौसम है, काबे का तवाफ हो रहा है और काबे के करीब मौलूदे काबा खड़ा है। अली चारों तरफ देखने लगे। अचानक अली दौड़ते हुए एक हाजी के पास गए और हकीकत में वो हाजी नहीं, पाजी था। अली उसके करीब गए और एक तमाचा मारा। अल्लाह जाने आलम क्या हुआ होगा जिसको अली ने तमाचा मारा। तमाचे याद है ना, बचपन में अबू जहल को मारा, काबे में अबू जहल की औलाद को मारा। जैसे ही तलवार मारा, दूसरी खिलाफ तमाचा मारा, दूसरी खिलाफत का जमाना था, समझ गए ना? खलीफा बैठे हैं। अब ये जुमला जोगी पूरा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? दूसरे खलीफा अपने तख्त पर बैठे हैं। वो हाजी दौड़ता हुआ दरबार में आया, आकर कहने लगा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, जिस काबे में चूटी का मारना मना है, उसी काबे में अली ने हज करते हुए मुझे तमाचा मारा। खलीफा ने कहा अली को बुलाया जाए। अली को बुलाया गया। अली सीना तान कर दरबार में आया। अली किसी भगोड़े का बेटा थोड़ी है, अली अबू तालिब का बेटा है। आया मेरा मौला, नारा हैदरी, ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तारीखी नारा लगाना। आया मेरा मौला सीना तानते हुए। खलीफा ने कहा, या अली, ये हज कर रहा था, काबे का तवाफ कर रहा था, आपने इसको तमाचा मारा। अली ने कहा, हाँ मैंने ही तमाचा मारा। खलीफा ने कहा, या अली, किस लिए तमाचा मारा? अली ने कहा, ये तवाफ करते करते ना महरमों की तरफ नामूस की तरफ गलत निगाहों से देख रहा था। अभी खलीफा ने जैसे ही सुना, एक मर्तबा तख्त से उतरे, उस हाजी का गिरेबान पकड़ा, कहा मेरे पास किस लिए आया है? कहा फैसला करवाने। खलीफा ने कहा, फैसला हो गया, अल्लाह की आंखों ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा।
माशाल्लाह। जोगीपुरा वालों, यकीन जानो अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मेंबर पर बैठकर झूठ नहीं बोलता शब्बीर वारसी। अगर झूठे बाप का बेटा होता तो मेंबर पर नहीं आता। मैं चाहता तो हूं बहुत कुछ पढ़ूं, मगर मैं क्या करूं, ये तीन मनहूस काटे। सुनो, चलो बात आ गई तो एक दो जवाब भी देने लगा हूं। इस मेंबर से पिछले साल एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था। शब्बीर वारसी मजलिस तो दिल खोल कर पढ़ता है, मगर नमाज हाथ बांध कर पढ़ता है। तेरे बाप ने देखा मुझे नमाज पढ़ते हुए? ये देखो गवाह खड़ा किया मैंने, पिछले साल मैंने नमाज जुमा यहीं पढ़ी थी। ये भाई था मुझे मुसल्ला देने वाला, इससे पूछना कि मैंने नमाज कैसे पढ़ी है। सुन, अभी तुझे वक्त लगेगा शब्बीर वारसी जैसा गुर्दा सीने में डालने के लिए। ये जोगीपुरा में अली अली करना बहुत आसान है, ये हमारा इलाका है। अपने 100 लोगों के बीच अली अली करना कमाल नहीं है, 1000 मुनाफिकों के बीच अली अली कर तो पता चलेगा कलेजा मीसम जैसा है। शब्बीर अली वारसी साहब की दरगाह पर आमद पर और मिंबर रसूल पर खिताबत पर और इनकी सेहत और सलामती के लिए आपके अंदर जितनी भी ताकत है उस ताकत को समेटने के बाद नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। एक अहम पैगाम अपनी कौम के नाम, आफताबे शरीयत आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब आज हमारे दरमियान यहां पर किसी वजह से नहीं आए हैं, मगर तमाम ही दरगाह आलिया नजफ हिंद पर आने वाले जायरीन का खैर मकदम उनकी तरफ से हम करते हैं। और ये कमेटी माशाल्लाह से मैं मुबारकबाद देता हूं जिस कमेटी को, जिस कमेटी ने दरगाह आलिया नजफ हिंद पर आने वाले एक एक जायर का खैर मकदम किया है। और इस कमेटी ने अपनी तमाम तवानाई को, ताकत को आप लोगों के लिए सर्व कर दिया है। तो एक मरतबा आप पंजतनी 5 मरतबा सलवात इस कमेटी के तमाम मेंबरान के लिए और तमाम ओहदेदारान के लिए और हमारे चेयरमैन अली जैदी साहब के लिए पंजतनी 5 मरतबा सलवात। اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مولا گواہ ہے کہ میں منبر پر بیٹھ کر کبھی آج تک میں نے کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ جو امامہ ہے یہ میرا امامہ ہے میں زیارت میں جا کر کسی کو بے وقوف بنا کر نہیں پہنا ہے امامہ قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے نہیں آیا منبر پر بیٹھ کر کہنے لگتے ہو شبیر وارسی سے مجلس پڑھا سکتے ہو نکاح نہیں پڑھا سکتے افسوس ہے کہ اس مجمع میں بھی کسی نے اس سے کہا نہیں کہ پہلے تو نکاح کے شرائط تو بتا اور میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے پتا نہیں تمہارا نکاح ہوا کہ نہیں پر اگر نہیں ہوا تو شبیر وارسی سے پڑھانا شبیر وارسی بہت اچھا نکاح کا خطبہ پڑھے گا اس لیے کہ میں نے نکاح کا خطبہ پڑھنا ابو سفیان سے نہیں ابو طالب سے سیکھا ہے میں ایک بات کہوں گا غلط بات جتنا کہنے والا مجرم ہے سننے والوں کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے پوچھا جاتا کہ پہلے شرائط بتا نکاح کے تو نے کہا شبیر وارسی سے نماز میت نہیں پڑھا سکتے میں کہہ رہا ہوں پڑھا مجھ سے جس کی نماز میت پڑھانا ہو پڑھا بہت اچھی نماز میت پڑھوں گا میں اس لیے کہ میں نے نماز میت پڑھانا ان سے نہیں سیکھا جو نبی کی میت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اس یہ منبر علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے قوم کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے ہے یہ منبر ذاتی حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے مولا کی چوکھٹ میں بول رہا ہوں جوگی پورا والو مجھے اس وقت دو طرفہ مخالفت کا سامنا ہے غیر بھی مخالفت کر رہے ہیں کچھ اپنے بھی مخالفت کر رہے ہیں غیر اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ اس کو فضائل علی ہضم نہیں ہو پا رہا ہے اور اپنے کچھ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے مولا کے منبر پر میں تجارت کے لیے نہیں آیا میں شکر گزار ہوں جوگی پورا کے انتظامیہ کا بڑی محبت سے بلایا مگر پوچھو ان سے کیا میں آن ڈیمینڈ آیا ہوں افواہ پھیلاتے ہو شبیر وارسی 1,00,000 لے کر آتا ہے تیرے باپ نے دیا مجھے پیسوں کے لیے کوئی میجورٹی سے مائنورٹی کی طرف نہیں آتا پیسوں کی منڈی وہاں سجی تھی مولا کے منبر پر آیا ہوں علی علی کرنے عبادت کی خاطر آیا ہوں میرا ٹریک ریکارڈ میری ہسٹری اٹھا کر دیکھو اگر علی کے علاوہ کسی نمک حرام کی عظمت بیان کی ہو تو گریبان پکڑ لینا جہاں بھی پڑھا کیا ہے علی علی کیا ہے چاہے دوستوں کا مجمع ہو منافقوں کا مجمع ہو جب میں چھوٹا تھا بچہ تھا میری والدہ وہاں بیٹھی ہیں میری ماں مجھے گود میں لے کر جاتی تھی عزاخانے میں جب چھوٹے میں مجلس سنتا تھا تو اس وقت ذاکرین کہتے تھے کوئی آئے حر بن کر تو ہم انہیں گلے لگائیں گے میں انہی سے کہتا ہوں جب آج کوئی حر بن کر آیا تو اس کے ساتھ حرملا جیسا سلوک کیوں کر رہے ہو کوئی
कोई आसान नहीं होता गैरों को मजमे के चीर को आकर अली अली करना। कलेजा चाहिए उसके लिए। अभी यहां हजारों लाखों का मजमा मेरे साथ मौजूद है, मगर यहां से घर तक का सफर अकेले करना है। मगर डरता नहीं, जब अली का नाम ले लिया तो मिसम मिजाज रखता हूं, जान हथेली पर लेकर चलता हूं। अजीबो गरीब बातें फैलाई जा रही हैं। अपनों में कोई कमी है? अपने जाकिर कम है जो उनको बुलाया जा रहा है? अगर हिम्मत है करबला जाकर इमाम हुसैन से कहना, मौला अब्बास मौजूद हैं, अकबर मौजूद हैं, तो जुहैर इब्ने कैन को क्यों दावत दे रहे हैं? और मौला ने जब जुहैर इब्ने कैन को बुलाया तो उस वक्त जुहैर कैसी नमाज पढ़ते थे? मौला ने तहकीक करवाया क्या? और भेजा किसको लाने भेजा? अब्बास अलमदार को भेजा। अब्बास तुम जाकर जुहैर को बुलाओ। अली अकबर को भेजा, अली अकबर तुम बुलाओ जुहैर को। मैं कहूंगा मौला किसी गुलाम के जरिया बुलवा लेते, ये शहजादों को क्यों भेज रहे हैं? अब्बास और अकबर को क्यों भेज रहे हैं? करबला से हुसैन ने पैगाम दिया, हर जमाने के जुहैर इब्ने कैन को बुलाना तो जलील करके नहीं, इज्जत के साथ बुलाना। हम हुसैनी हैं, मेरे मौला हुसैन ने हुर के साथ कैसा सलूक किया? आने वाला कह रहा है, मौला हुर जैसे की भी खता माफ हो सकती है? हुसैन कहने लगे, हुर तू तो मेरा भाई है, पूछो उस मौलवी से हुर कैसे नमाज पढ़ते थे। अच्छा एक बात कहूंगा मैं, मुझे ये बताओ सब हुसैनी है ना यहाँ? माशाल्लाह सब हुसैनी है ना, हाथ उठाना, सब हुसैनी है ना। अच्छा ये बताओ कि कोई भी नमाज अगर हुसैन से हटकर पढ़ी जाए, यजीद की हिमायत में पढ़ी जाए, क्या वो नमाज कबूल है? नहीं ना। मुझे ये बताओ हुर जिंदगी भर किस खैमे में नमाज पढ़ रहा था? तवज्जो, शबे आशूर तक हुर ने यजीद के लश्कर में नमाज पढ़ी और सुबह आशूर की नमाज पढ़कर आया है हुसैन के लश्कर में। अब मुझे ये बताओ हूर की कौन सी नमाज कबूल हुई? मगर चौकी पूरा वालों मुझे बताना हूर गया कहां? तो सब कहेंगे हूर गया जन्नत। तो मुझे ये बताओ हूर को क्या चीज जन्नत ले गई, नमाज या इश्क़े हुसैन? जितना कोई गुनाहगार हो, कोई जितना बड़ा गुनहगार हो अगर हुसैन उसकी शिफायत करवा दें, कोई नहीं रोक सकता। और इस बारगाह में गुनहगार नहीं तो कहां कौन आएगा? गुनहगार आएगा इसी चौखट में ताकि शिफा पा जाए। सुनना नजफ हिंद में आने वालों, जोगीपुरा में आए हो ना, वो मत मांगना जो किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो तकदीर में लिखा है वो घर बैठे ले लेना। यहां वो मांगने आना जो मुकद्दर में नहीं हो। मैं और यकीन से मांगना, दावे बगैर दलील के नहीं करता,
तुमने एक बादशाह का नाम सुना होगा, नादिर शाह, जैसा भी लिखा हो तारीख ने, मगर था अली का दीवाना। गया नजफ, क्या देखा, नजफ की चौखट पर बैठकर एक भिखारी भीख मांग रहा है और अंधा है, नाबीना है। नादिर शाह कहने लगा, अली की चौखट पे बैठा है, कब से भीख मांग रहा है? कहने लगा, 2 सालों से। नादिर शाह ने कहा, 2 साल से अली की चौखट में बैठा है, फिर भी अंधा है। अली ने आंखें नहीं दी का नहीं दी का मांगी नहीं का मांग मांग कर थक गया। अली ने आंखें नहीं दी। नादिर शाह ने कहा, मैं जा रहा हूं अपने अमीर के दरबार में और मौला के जरी को चूम कर बाहर निकलूंगा। अगर तेरी आंखें नहीं आई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तवज्जो देकर नादिर शाह अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, उधर से भिखारी दौड़ा, मौला के जरी को पकड़ा, या अली मुझे आंखें दे दो वरना ये बादशाह मुझे मार डालेगा। अभी बादशाह नादिर शाह ज़ियारत करके निकला, क्या देखा, फकीर की आंखें वापस आ गई, बिनाई वापस आ गई। नादिर शाह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, अली ने आंखें दे दी, कहा दे दी, का सुभान अल्लाह। ये कहकर आगे बढ़ गया, फकीर पीछे पीछे दौड़ा, बादशाह के पैरों को पकड़ा, पकड़कर कहा, ये बताओ बादशाह, अगर आज अली मुझे आंखें ना देते तो क्या तू मेरा सर उड़ा देता? नादिर शाह ने कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं उड़ा था। फकीर कहने लगा, तो फिर कहा क्यों था? नादिर शाह ने कहा, मैं देखना चाहता था, तुझे लेना नहीं आता, या अली को देना। सब मिलकर क्या इरादा है जवानों? अजान हो रही, अच्छा देखो, अगर तुम सब चाहो तो मैं मजलिस शुरू करूं। ना ना ना, बस एक वाकया और अपनी तकरीर समेटने लगा हूं। वो लेने आओ, कसम से सब कुछ छोड़ दिया। अली जानते हैं, मेरा मौला जानता है मैंने कितने खजाने छोड़े हैं इस वक्त। हाँ, वरना बाद में कोई ये कहेगा कि नमाज का ख्याल नहीं रखा मैंने। हाँ, मैं बस समेटने लगा हूं। वो आओ अली की बारगाह में मांगने जो मुकद्दर में नहीं लिखा हो। अच्छा, एक जमींदार था, सुनोगे 5 मिनट। एक जमींदार था, अली को उसकी जमीन पसंद आई, एग्रीमेंट तय हो गया, जमीन का मामला तय हो गया। अली ने कहा, कल सुबह आके पेमेंट दूंगा। मगर वो जमींदार भी बदमाश था, मौलवी मिजाज था, नुजूमी था, या शायद हुजूमी था, अल्लाह जाने मजमा का, उर्दू पढ़ रहा हूं मैं, उर्दू, नुजूमी था, एस्ट्रोलॉजी पर यकीन रखता था, सितारों के इल्म पर यकीन रखता था। एग्रीमेंट तय हुआ, अली घर चले गए,
वो दौड़ता हुआ एक माहिर नुजूम के पास गया, एस्ट्रोलॉजर के पास गया, नुजूम के इल्म रखने वाले के पास गया, जाकर कहने लगा मेरे जमीन का सौदा हुआ है एक शख्स से, वो कल सुबह आकर पेमेंट देने वाला है। कहा तो फिर मेरे पास किस लिए आया है? वो जमींदार कहने लगा मुझे ये बता दो कि इस सौदे में मुझे नुकसान होगा या फायदा, सुनना अगले साल तक याद रहेगा, इंतजामिया की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से तोहफा देकर जा रहा हूं। का मुझे बताओ कि इस एग्रीमेंट में फायदा होगा या नुकसान? नुजूमी कहने लगा तेरा चेहरा देखकर थोड़ी बताऊंगा, मुझे वो जमीन देखा जिसका एग्रीमेंट हुआ। का चलो मेरे साथ। नुजूमी गया, जमीन को देखा, जमीन का मुआयना किया, एक मर्तबा कलम किरतास निकाला, कलम कागज निकाला, एक जायचा बनाया फाड़ा, कुंडली बनाई फिर फाड़ा, फिर जायचा बनाया फाड़ा, बनाया फाड़ा, बनाया फाड़ा। जमींदार परेशान हो गया, क्या क्या कर रहा है, जायचा बनाता है फाड़ता है, वजह क्या है? नुजूमी कहने लगा इस सौदे में तो तुझे बड़ा नुकसान होगा। का वो कैसे? का तेरे जमीन के अंदर तो खजाने छुपे हैं, सोने चांदी जवाहरात छुपे हैं, तू उस शख्स को बेचना चाहता है, सब कुछ उसे मिल जाएगा। अब जमींदार परेशान हुआ, कहने लगा तो क्या करूं? का अपने कौल से पलट जा। का कैसे पलटूं, कैसे पलटूं? का वो तू जान। का था कोई तुम ही हल बताओ, का तेरी कोई और जमीन भी है? जमींदार कहने लगा हाँ, इसी जमीन के बगल में मेरी एक और जमीन है, मगर वो तो बंजर है। नुजूमी ने कहा वही बंजर जमीन बेच दे, इसको बचा ले। तवज्जो, रात गुजरी, जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूं। अली आए, का ये ले पेमेंट, जमीन मेरे हवाले कर। जमींदार ने कहा यह जमीन तो मैं नहीं बेचूंगा। का वजह? का मेरे अपने कुछ सबब हैं, रीजन है, नहीं बेच सकता। का तो फिर? उसने कहा या अली, इसकी बगल वाली जमीन भी मेरी है, आप वो खरीद लीजिए। वो अली जिसकी तलवार 70 नस्लों को देखती है। अली मुस्कुराने लगे। अली ने कहा ला वही जमीन बेच दे। तवज्जो, बंजर जमीन अली ने खरीद ली। अब हफ्तों गुजरे, महीनों गुजरे, दोनों जमीनों में खुदाई हुई। अब इसने जो जमीन बचाई थी उसकी खुदाई हुई तो सोने चांदी तो छोड़ो, एक लोहा भी नहीं निकला। और जब अली के जमीन की खुदाई हुई तो हीरे मोती जवाहरात सोने सब निकलने लगे। अब जमींदार परेशान हुआ, दौड़ता हुआ नुजूमी के पास गया, कहने लगा ओहो तुझे नुजूमी किसने बना दिया, तूने तो मेरा नुकसान कर दिया। का क्या हुआ? का तूने जो जमीन बेचने से मना किया था वो जमीन बंजर निकल गई, और जो जमीन उसने खरीदी उसी जमीन में खजाने निकले। जमींदार कहने लगा मुझे फिर से लेकर चल जमीन के पास। जमीन के पास गया, उसने फिर जायचा बनाया, फिर फाड़ा, फिर बनाया, फिर फाड़ा। जमींदार ने कहा क्या कर रहा है? नुजूमी ने कहा मैं अब तक अपनी बात पर कायम हूं, इसी जमीन से खजाना निकलना था, मगर ये बंजर कैसे हुई, खजाना उससे कैसे निकला? जमींदार ने कहा तू ही बता। नुजूमी ने कहा मुझे उस शख्स से मिला दे जिसे जमीन बेची। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अब जमींदार नुजूमी को लेकर अली के पास आया, सारा माजरा बताया। तवज्जो, आखिरी आदमी तक नास करना, अल्लाह ने तुझे अली जैसा इमाम दिया। अली ने मुस्कुरा कर कहा पहले ये बता तूने अपना इरादा क्यों बदला? नुजूमी ने कहा मैंने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला, मैंने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला। अली ने मुस्कुरा कर कहा तूने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला, मैंने सितारे को ही बदल दिया। अल्लाह हू अकबर,
सब मिलकर सितारे को देखकर इरादा बदला। मैंने सितारे को ही बदल दिया। नाश करो के अले, अल्लाह ने तुझे अली जैसा इमाम दिया। हमारा पहला इमाम अली है, हमारा आखिरी इमाम मेहदी है। शब्बीर वारसी का अकीदा एक जुमले में बता दूं, सुनोगे? तैयार हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयं वलीउल्लाह। ये है अकीदा मेरा, ये है अकीदा मेरा। शब्बीर का अली पहला इमाम है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे अली जैसा इमाम दिया। अल्लाह ने मेरी मदद के लिए 12 इमाम दिए, अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए 14 मासूम दिए। खत्म कर दी मैंने तकरीर। इस 14 का वजह तखलीक जमा। मेरी तमाम माओं का, बहनों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे बच्चों का, मेरे जवानों का, यह आप लोगों के हौसले की वजह से शब्बीर वारसी मिंबर पर आया है। और कसम खुदा की मैं मौत से नहीं घबराता। आप जानते हैं मेरे ऊपर हमला, अटैक भी हो चुका है, मौलाना शहनवाज साहब जानते हैं। मगर मेरा दुश्मन ये भूल गया, वो ये सोचता है कि शब्बीर वारसी को मार देने से अली अली बंद हो जाएगा। उस मनहूस को नहीं पता कि शब्बीर वारसी की वजह से अली अली नहीं है, अली अली की वजह से शब्बीर वारसी का वजूद है। यह जिक्र अली ने मेरा वजूद बनाया है, यह सब आपकी मोहब्बतें हैं। मैं दरगाह आलिया नजफ हिंद के इंतजामिया का, बिलखसूस आफ्ताब शरीयत और अहले बैत के बाद मैं जिसको अपना सरपरस्त मानता हूँ, मौलाना अल्लामा क़िबला सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब का, इंतजामिया कमेटी के सदर इरम अली जैदी साहब का, सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास साहब का, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मौलाना कासिम साहब का, मौलाना शहनवाज साहब का, मौलाना शफीक साहब का, मेरे मोहतरम अता अब्बास भाई, हमारे बबलू भाई नेताजी, मैं और जितने हजरात जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझ हकीर को यह मौका दिया कि मैं इस मिंबर पर बैठकर अहले बैत के फजाइल और अहले बैत पर होने वाले मसाइब बयान कर सकूं। मैं, ये मेरा वादा है इस कौम से कि शब्बीर वारसी कभी इस कौम को धोखा नहीं देगा। इंशाल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक जनाब फातिमा का नमक हलाल रहूंगा। यह बीबी जहरा का सदका है, यह मेरी शहजादी कौनैन का सदका है। बगैर उनकी रजा के शब्बीर वारसी नहीं आ सकता था। ये मेरी वालदा की तहारत, ये मेरी वालदा बैठी हैं वहाँ पर, मेरी माँ ने मुझे बचपन में अलीफ लैला की कहानी नहीं सुनाई, मुझे अली के फजाइल सुनाए हैं, मुझे करबला का वाकया सुनाया, तब जाकर आज मेरे खून में अली की मोहब्बत और हुसैन की वफादारी दौड़ रही है। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक शब्बीर वारसी का वादा है मौला आपसे, बीबी जहरा आपसे, कि जब तक शब्बीर वारसी जिंदा रहेगा आपके हक का दफा करता रहेगा, और जिस चौराहे पर, जिस शहरा पर भी आपके गासिबों से मुकाबला करने की बारी आई या मुनाजरा करने की बारी आई तो कल भी किया है। और यहाँ इस कौम से वादा है कि चाहे फिदक का मसला हो, चाहे हक जहरा का मसला हो, इंशाअल्लाह शब्बीर वारसी को बुलाना। जितना बड़ा चोर बैठेगा इंशाअल्लाह अली के दर का ये नौकर अकेला आकर मुकाबला करेगा। ये शहजादी ये कौन है? शहजादी जब तक तेरे ये नौकर जिंदा रहेंगे, शहजादी
हम आपके हक का दिफा करते रहेंगे। ये जो रौनकें हैं, ये जो मजमा है, ये शब्बीर वारसी के नाम पर नहीं आया, ये फातिमा जहरा के बच्चों के नाम पर आया है, ये बीबी सैयदा को पुरसा देने के लिए आया है। बहुत तड़पाया गया है मेरी बीबी को, बादे रसूल शहजादी को किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कितना जख्म दिया, सारी जिंदगी जहरा रोती रही। अली जब भी घर में आते थे सैयदा को रोता हुआ पाते थे, जब भी आते थे दरवाजे के पहलू में बीबी को बैठा हुआ देखते थे। 3 महीने जब गुजर गए, अली ने सवाल किया, सैयदा मैं जब भी आता हूं रसूल के बाद मैं देखता हूं आप दरवाजे के पहलू में बैठी रहती हैं, सैयदा वजह क्या है, सुनोगे आजादारो? सैयदा ने जवाब दिया, अली मैं इंतजार करती हूं कोई तो आकर मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे दे। रात दिन के उजाले में आते थे सैयदा को रोता हुआ पाते थे, रात की तारीकी में आए सैयदा को रोता हुआ देखा, कहा फातिमा रातों को रोने का सबब क्या है? या अली मुझे मेरे बाबा की याद आती है। अली ने कहा फातिमा मेरी आपसे गुजारिश है रात के अंधेरे में ना रोया करे। सैयदा ने तड़प कर कहा या अली आप ऐसा क्यों कहते हैं? अली ने कहा फातिमा मुझे परेशानी नहीं है, मोहल्ले के मुसलमानों ने शिकायत की है, या अली फातिमा से कहिए रातों को ना रोया करे। अजरकुम मिनल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत के। फातिमा उनके नींद में खलल पड़ती है। सैयदा ने कहा या अली क्या मैं अपने बाबा को रो भी नहीं सकती? अली ने कहा सैयदा अब आपको जब भी अपने बाबा की याद आए ना तो कब्रे रसूल पर जाकर रोया किया करें। आजादारो सैयदा अपने मकान से निकलकर जब मदीने में जाकर कब्रे रसूल पर रोया करती थी। आजादारो दुनिया में ये इकलौती बेटी है जो बाप को रोने मकान से निकलकर कब्रिस्तान जाया करती थी। हाँ आजादारो रो लो आजादारो, सैयदा को रोने नहीं दिया गया। मेरी बहनों रोने में कमी मत करना, यहां कोई तुम्हारी चादरें नहीं छीनेगा। मेरी बच्चियों रोने में कमी मत करना, कोई तुम्हें तमाचे नहीं मारेगा। आजादारो रोजाना कब्रे रसूल पर जाकर रोती थी फातिमा। एक रोज अली फिर घर आए, फातिमा को फिर रोते हुए देखा। अली ने कहा सैयदा आज आप मजारे रसूल नहीं गई रोने? फातिमा ने कहा मैं गई थी अली। कहा तो फिर घर में रोने का सबब? अजादारो सीने पर हाथ रखना, फातिमा कहती है या अली मैं मजारे रसूल पर जिस दरख्त के साए में बैठकर अपने बाबा को रोती थी आज किसी ने वो दरख्त काट दिया। अजरकुम मिनल्लाह, जिनके आंखों में आंसू नहीं है वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। दे दो सैयदा को पुरसा। आजादारो जब आखिरी अय्याम करीब आए ना, एक मर्तबा फातिमा ने अपनी बेटी जैनब को करीब बुलाया। बस आजादारो 10 मिनट में मजलिस तमाम कर रहा हूं। एक संदूक निकाला, कहा बेटी जैनब मेरे करीब बैठ जा। आजादारो सुनोगे, बीबी ने संदूक खोला,
संदूक से एक सुफेद कफन निकाला। ज़ैनब ने कहा, अम्मा मेरा दिल घबराता है, अम्मा ये किसका कफन है अम्मा। फातिमा ने कहा, ज़ैनब अभी कुछ दिन गुजरेंगे, तेरे बाबा अली तेरे पास आकर कहेंगे, ज़ैनब अपनी माँ ज़हरा का कफन देना। ज़ैनब ये मेरा कफन है। आज़ादारों सुनोगे, एक मर्तबा फिर संदूक खोला, एक और कफन निकाला। ज़ैनब ने कहा, अम्मा ये किसका कफन है। कहा, ज़ैनब कुछ दिन और गुजरेंगे, तेरा बड़ा भाई हसन तेरे पास आएगा, आकर कहेगा, ज़ैनब बहन बाबा का कफन देना। अजरकुम मिनल्लाह, खुदा इस कौम को कोई गम ना दे सिवाय गमे फातिमा ज़हरा के। हाँ ठहरो ठहरो ठहरो, वरना मर जाओगे। फिर कफन खुला, सैयदा ने एक और कफन निकाला। ज़ैनब ने कहा, अम्मा ये किसका कफन है। कहा, ज़ैनब कुछ दिन और गुजरेंगे, तेरा भाई हुसैन तेरे पास आएगा, आकर कहेगा, बहन ज़ैनब भैया हसन का कफन देना। बस अदारो, अब कलेजा थामना। एक मर्तबा फिर संदूक खुला, फिर कफन निकला। ज़ैनब ने कहा, अम्मा क्या ये भैया हुसैन का कफन है। फातिमा ने कहा, नहीं ज़ैनब ये भी हसन का कफन। ज़ैनब ने सर पर हाथ रखा, अम्मा भैया हसन को दो कफन किस लिए। फातिमा ने सर पर हाथ रखा, ज़ैनब ये क्या पूछ लिया। अरे मेरे हसन का जनाजा घर से बाहर जाएगा खून में वापस। अजरकुम मिनल्लाह। बस अदादारो, मजलिस तमाम हो गई। ये कहकर बीबी ज़हरा ने संदूक बंद कर दिया। ज़ैनब परेशान हो गई, दोनों हाथों को जोड़ा, अम्मा क्या मेरे भैया हुसैन से कोई गलती हो गई। ऐसा क्यों कह रही हो ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा, अम्मा सबका कफन दिया, भैया हुसैन का कफन नहीं दिया। सैयदा ने चेहरे पर तमाचा मारा, अरे ज़ैनब मेरा हुसैन बेगौरो कफन करबला। बस बस तमाम कर दी मजलिस। आ गई वो आखिरी रात। फिज़ा को करीब बुलाया, फिज़ा दरवाजे के, अली को करीब बुलाया, या अली वसीयत करना है, सुनोगे अपने बीबी की वसीयत। अली ने कहा, फातिमा क्या वसीयत है। पहली वसीयत सुनना आज़ादारो, या अली मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में। या अली फला फला लोगों को मेरी मैयत में शरीक मत होने देना। या अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। या अली मेरे कब्र पे आकर रोजाना सूरह यासीन पढ़ना। आज़ादारो, अली रोजाना जाकर कब्र सैयदा पर सूरह यासीन पढ़ते थे। एक रोज अली सूरह यासीन पढ़ रहे थे, कब्र फातिमा में जलजला आया।
अली ने कब्र में हाथ रखा, फातिमा क्या हो गया, कब्र से आवाज आई, अली तिलावत छोड़िए घर जाइए, का क्या हुआ, आवाज आई मेरा हुसैन प्यासा। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, ना मुझ में पढ़ने की ताकत, ना तुम में सुनने की ताकत। 2 मिनट मजलिस तमाम। फिजा घर के दरवाजे को बंद करके बैठ जाओ, जब तक तकबीर की आवाज आती रहे शुक्र का सजदा करना, आवाज आना बंद हो जाए अली को खबर कर देना मैं बाबा से मुलाकात को चली गई। बस अदादारो दरवाजा बंद हुआ, अल्लाहु अकबर की आवाज आती रही, फिजा ने शुक्र का सजदा किया, अलहम्द की आवाज आई, फिजा ने शुक्र का सजदा किया, एक वक्त आया आवाज आना बंद हो गई, फिजा ने दरवाजा खोला, क्या देखा, अरे नबी की बेटी मुसल्ला इबादत, दौड़ कर मस्जिद गई, 3 मर्तबा कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस बहुत तेजी से पढ़ने लगा हूं। अली घर में आए, अली ने गुस्ल दिया। हौज़ादारो तारीख में 3 ऐसे गुस्ल हैं कि गुस्ल देने वालों की चीख निकल गई, सुनोगे, एक उस गसाला की चीख निकली जिसने जिंदान में 4 साल की बच्ची का गुस्ल दिया, एक इमाम मोहम्मद बाकर की चीख निकली जब सैयद सज्जाद को गुस्ल दिया, और एक अली की चीख निकली जब फातिमा। सलमान ने कहा मौला आपको कभी चीख कर रोते नहीं देखो, मौला चीख कर रोने का सबब, अली ने कहा सलमान फातिमा ने मुझे कभी बताया नहीं, अरे सैयदा की पसलिया। अजर को मिन अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बस खत्म हो गई मजलिस, बच्चों को खबर हुई, बच्चे घर में आए, फिजा ने कहा बच्चों पहले कुछ खा लो कुछ पी लो, बच्चों ने कहा ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, पहले अम्मा को देखेंगे। आजादारो कयामत हो गई, हुजरे का दरवाजा खुला, जैनब हुजरे में दाखिल हो गई, कुलसुम हुजरे में दाखिल हो गई, मौला हसन हुजरे में दाखिल हो गए, मगर हाय मेरा मौला हुसैन, हुसैन दरवाजे पर खड़े हो गए। फिजा ने कहा हुसैन अम्मा के पास क्यों नहीं जाते, हुसैन ने कहा अम्मा फिजा उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा वैसे ना पुकारे जिस तरह मरियम ने ईसा को पुकारा था, अरे बंदे कफन टूटे तो हाथ बरामद हुए, आ जा मेरे हुसैन बेटा माँ के बाहों से, अम्मा आज तूने पुकारा हुसैन चला आया, अम्मा कर्बला में हुसैन पुकारेगा।